हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल पूर्ण जारी रखना। हम लोग देखेंगे पहले अफर्मेटिव के पार्ट को। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन में सिंगुलर, हैव बीन का यूज सिंगुलर में होगा और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। आज शब्दों के साथ समय भी आएगा तो वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और यहाँ पे करें रहा है के साथ समय भी आएगा। समय भी आएगा मतलब समय कितनी तरह से आ सकता है, समय कितने प्रकार का होता है। समय यहाँ पे बताया गया है दो प्रकार, एक है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। तो निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों या सन, वर्ष या सन जैसे 2004, 2005, वर्षों सन के नाम, बजे से अगर आएगा, बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे, 10 बजे से, बजे से आएगा। और दिन तथा रात के पहर, दिन और रात के पहर, जैसे सुबह का पहर है, दोपहर है, शाम का पहर है, आधी रात है, जो भी पहर होते हैं ये इतने होते हैं निश्चित समय। महीनों के नाम, दिनों के नाम, वर्षों के नाम, बजे से, दिन तथा रात के पहर, यह आएंगे निश्चित समय में। और इनके साथ, निश्चित समय के साथ हमेशा आप प्रयोग करेंगे सिंस को। निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, ट्रांसलेट करते समय। तो इसको आप याद रखेंगे। आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। सबसे पहले आपको, जैसे हमेशा आप लिखते आए हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस उसका एग्जाम्पल, इसका भी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस सिंस, सिंस या तो फॉर और प्लस टाइम। ये है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस और फॉर, उसके बाद जो टाइम होगा टाइम को लिखेंगे। सिंस और फॉर के यूज टाइम को देखने के बाद ही आप लिखेंगे करेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह आज सुबह से पढ़ रही है, वह आज सुबह से पढ़ रही है। कौन पढ़ रहा है? वह। क्या सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो सी हो जाएगा, सी। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैज बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब है, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने वाला काम, रीडिंग। रीड में आईएनजी लगाया, रीडिंग हो गया। अब आप क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। अब आइए टाइम, समय पे, आज सुबह से। मैंने बताया था दिन तथा रात के पहर किस में आते हैं? वह आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, निश्चित समय में। तो निश्चित समय के लिए क्या होगा? सिंस, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग टूडे, सिंस मॉर्निंग टूडे, ये इसका ट्रांसलेट है। चलिए और देखते हैं। वे 4 वर्षों से, वे 4 वर्षों से इस विभाग में काम कर रहे हैं। वे इस विभाग में 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। वे इस विभाग में 4 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेट होगा। सबसे पहले होगा वे का दे, फिर हैप्पी वर्ब आएगी हैव, हैव बीन। अब कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं बताया, केवल काम करते हैं। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस,
डिपार्टमेंट मेंट। अब आई बात टाइम की, कब से है? चार वर्षों से है। वर्ष का नाम तो नहीं दिए गए, 2004 है, 5 है, 10 है, नाम तो नहीं दिए गए, पता क्या चार वर्षों से, इसका मतलब क्या है? समय अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए फॉर 4 ईयर्स। ये था अफर्मेटिव। देखिए वे चार वर्षों से इस विभाग में काम कर रहे हैं, रहे हैं मिला आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टाइम भी मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब पूरा बनाएंगे, लास्ट में अगर टाइम रहेगा तो टाइम को यहां लिखेंगे, अगर टाइम नहीं रहेगा तो टाइम को नहीं लिखेंगे, तो कंटिन्यूअस बनेगा। आइए आप निगेटिव को देख लेते हैं। निगेटिव में दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं करना है, निगेटिव में बस हैज और बीन के बीच में नॉट को लगाना है। निगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब यही होता है कि उसमें नकारात्मक का भाव रहेगा, उसमें जो भी काम होगा वह नहीं में रहेगा। निगेटिव नकारात्मक हेल्पिंग वर्ब है, हैज नॉट बीन, हैव हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस पार प्लस टाइम, ये रहेगा उसका स्ट्रक्चर जो आपने लिखा था अफर्मेटिव में। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। वह है 2004 से उस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं। वे 2004 से उस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज नॉट, हैज नॉट बीन। अब कौन सा काम हो रहा है? इसके बाद मेन वर्ब आएगी, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने वाला काम, टीच। टीच में आईएनजी लगेगा तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग इन करके उस विद्यालय में, इन दैट, उसके लिए दैट होता है, इन दैट स्कूल। अब कब से? टाइम की बात, 2004 है, वर्ष का, सन का नाम दिया गया, इसका मतलब, इसका मतलब क्या? यह समय जो वो निश्चित है, तो यहां पे क्या लगेगा? सिंस, सिंस फोर, सॉरी सिंस 2004। यह था इसका ट्रांसलेट। चलिए और देखते हैं। तुम अपना काम पूरा नहीं कर, तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसका बनेगा यू, सॉरी तुम अपना काम, इसमें टाइम देना भूल गए, टाइम दे दीजिए, तुम अपना काम 2 दिन से पूरा नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम 2 दिन से पूरा नहीं कर रहे हो, तो जाएगा यू हैव नॉट बीन। अब कौन सा काम हो रहा है? पूरा करना, कंप्लीटिंग। यू के साथ अपना के लिए योर, योर वर्क आपका कब से? 2 दिन से। 2 दिन क्या है? निश्चित है कि अनिश्चित है? अरे भाई अगर दिन का नाम रहेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो निश्चित होगा। यहाँ पे दिन का नाम नहीं बताया, 2 दिन का रहा, इसका मतलब टाइम अनिश्चित है, समय अनिश्चित है। यहाँ पे फार लगेगा, फार 2 डेज। ये है, ये था अफर्मेटिव का, और ये था निगेटिव का। अब हम लोगों को देखना है इंट्रोगेटिव, चलिए इसको फिर से बता दे रहे हैं। वह अपना काम पूरा 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 2 डेज। चलिए हम लोग को देखना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न को पूछना, ऐसा सेंटेंस जिसमें
प्रश्न को पूछने वाला काम किया जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। अब आज की बात प्रश्न को पूछने की, तो प्रश्न किसने कितने तरह से पूछा जा सकता है? प्रश्न को पूछा जाता है दो तरह से। एक होता है जिसमें जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, और दूसरा होता है जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। दो होता है, जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं वह सेंटेंस जब हिंदी में चलेगा तो हिंदी में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले उस सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कहां, कैसे, वह हिंदी में सबसे पहले आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे। और जब हम उसकी हिंदी जब हम उसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तब सबसे पहले जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, जैसे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद तब मेन वर्ब को, आगे फिर आपको पता है। लेकिन जहां पे हेल्पिंग वर्ब टू सिलेबल हो, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब मिलकर के एक हेल्पिंग, दो हेल्पिंग वर्ब मिलकर के एक टेंस को बनाती हैं, वहां पर कोई भी टेंस होगा, प्रेजेंट के बाद मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी टेंस होगा जहां पर एक दो, दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हो, तो वहां पर जो एक पहले वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बाकी को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। यह फॉर्मूला आप मत भूलिएगा। चलिए देखिए इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सबसे पहले हैज हैव रहेगा, हैज या हैव, ये तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट कैसा है, अगर एक बचन हुआ तो हैज, बहुवचन हुआ तो हैव। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर इसके बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सिंस फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम आएगा और प्लस इंटरोगेशन मार्क। चलिए देखिए इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या तुम कुछ दिनों से, क्या तुम कुछ दिनों से उसके साथ काम कर रहे हो? क्या तुम कुछ दिनों से उसके साथ काम कर रहे हो? चलिए इसका बनाइए, क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले जाना है सब्जेक्ट पे, क्या तुम है, यहाँ पे क्या होगा, हैव, चलिए हैज हैव में से हैव लग गया। अब आए बात सब्जेक्ट की, क्या सब्जेक्ट है, यू, यू हो गया, फिर बीन, इसी के बेस पे आप चलिए आगे तक, जितना बड़ा भी सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, उसको आप बना पाएंगे। तो हैव यू बीन, फिर क्या है, मेन वर्ब, इसमें कौन सा काम हो रहा है, काम करना, वर्क में आईएनजी लगा तो वर्किंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तुम कुछ दिनों से उसके साथ काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब उसके बाद आई बात टाइम की, तो टाइम में क्या है, टाइम में है कुछ दिनों से, कुछ दिनों से, दिन का नाम तो दिया नहीं है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, तो कुछ दिन दिया, उसका मतलब टाइम क्या, अनिश्चित है, तो फॉर सम डेज या फ्यू डेज, फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज, कह रहा कि हैव यू बीन वर्किंग, अभी यहां पे थोड़ा छोड़ गया, उसके साथ भी दिया है, वर्किंग विद हिम फॉर फ्यू डेज, ये है उसका ट्रांसलेट, हैव यू बीन वर्किंग विद हिम फॉर फ्यू डेज, क्या तुम उसके साथ कुछ दिनों से काम कर रहे हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या जानवर
कुछ है? दो वर्षों से क्या जानवर दो वर्षों से फसल नष्ट कर रहे हैं? क्या जानवर दो वर्षों से फसल नष्ट कर रहे हैं? तो क्या आया यहाँ पे जानवर, क्या है? प्लूरल है, हैव एनिमल, हैव एनिमल्स बीन, हैव एनिमल्स बीन, और कितना तो हो गया बीन तक, मैनुअल क्या है, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय में आई एनजी लगाएंगे तो डिस्ट्रॉइंग होगा, डिस्ट्रॉइंग क्रॉप, क्रॉप, अब आगे फिर ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, अब आगे बात टाइम की, कब से कर रहा है, दो वर्षों से, वर्ष का नाम तो दिया नहीं, दो वर्षों का रहा है, तो मतलब क्या फॉर लगेगा, फॉर टू ईयर, ये था हमारा एस आर नो टाइप का। अभी हम लोग को देखना है डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप का मतलब क्या है, डब्ल्यू एस टाइप में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप हाँ या नहीं में तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, और उसमें क्या डब्ल्यू एस टाइप में और यस नो टाइप में डिफरेंस क्या है, जो होता है यस नो टाइप उसको हम स्टार्ट करते हैं हैप्पी वर्ब से, लेकिन जो डब्ल्यू एस टाइप होता है सब कुछ यही रहेगा, बस इसके पहले हैज और हैव के पहले डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, उसको यहां लिखेंगे, जो सेंटेंस में क्या पूछा है तो व्हाट लिखेंगे, क्यों पूछा है तो व्हाई लिखेंगे, कब पूछा है तो व्हेन लिखेंगे, जो पूछेगा इंट्रोगेटिव वर्ड उसकी इंग्लिश सबसे पहले रहेगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद आगे रहेगा। चलिए उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले डब्ल्यू एच टाइप का। तो ये था यस नो टाइप, ये देखिए अब हम लोग पढ़े डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, फिर हैज और हैव में से कोई एक, सब्जेक्ट रहेगा, बीन रहेगा, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस पार्ट प्लस टाइम, इतना तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये दोनों फार्मूला जो दोनों फार्मूला एक ही है, मतलब क्या एक ही फार्मूला है, दोनों में यूज किया जाता है, बस केवल सीखना आपको है डब्ल्यू एच वर्ड और एस आर नो टाइप। अगर एस आर नो टाइप होगा तो हैज और हैव से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर वही क्या शब्द बीच में पूछ लिया गया और उसका उत्तर आप हाँ या नहीं में बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं तो उसको आप व्हाट से, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से, अगर क्या है तो व्हाट लगाएंगे, क्यों है तो व्हाई लगाएंगे। चलिए सर इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, तुम आज सुबह से, तुम आज सुबह से बगीचे में क्या कर रहे हो, तुम आज सुबह से बगीचे में क्या कर रहे हो, तो क्या आया बीच में, अगर एक क्या यहां था क्या तुम सुबह से बगीचे में कर रहे हो तो वह बनता है और हैव से, लेकिन पूछ रहा है कि तुम आज सुबह से बगीचे में क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो तो आप बताएंगे तो एस आर में उत्तर दे नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या है डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश व्हाट, व्हाट हो गया, हैज और हैव में से कोई एक रहेगा, तुम है तो यहां पे क्या रहेगा, हैव रहेगा, हैव के बाद फिर सब्जेक्ट यू हो गया, यू के बाद फिर क्या है बीन दिया है, मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है करना है, डू, डू में आई एन जी, डूइंग हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, क्या है ऑब्जेक्ट, बगीचे में, इन द गार्डन, उसके बाद फिर आगे क्या रहेगा सिंस और फॉर प्लस टाइम, इसमें टाइम कैसा है आज सुबह से, ये तो दिन और रात में से पहाड़ है ना, दिन का एक पहाड़ है सुबह, तो ये क्या है ये समय निश्चित है, तो यहां पर लगेगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग टुडे, ये था इसका एग्जांपल। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, इसका आप देख लीजिए पहले
व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग टुडे। एक और लिखिए और बनाइए उसको। वह है वह तुम्हारे भाई के साथ 4 वर्षों से वह तुम्हारे भाई के साथ 4 वर्षों से कहाँ रह रहा है। वह तुम्हारे भाई के साथ 4 वर्षों से कहाँ रह रहा है, इसका बनाइए ट्रांसलेट करके। पूछ रहा कहाँ कहाँ रह रहा है, कहाँ का क्या होता है वेयर, वेयर हो गया। वेयर के बाद हैज और हैव, वह है इसके साथ हैज रहेगा, फिर ही, फिर बीन, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या इसमें है, रहना लिविंग, फिर क्या आगे है लिविंग के बाद ऑब्जेक्ट कहां का है पता नहीं कहां रह रहा है। अब फिर क्या तुम्हारे भाई के साथ लिविंग विद योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब आई बात टाइम की, सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, कह रहा कि तुम्हारे भाई के साथ 4 वर्षों से, वर्ष का नाम तो दिया नहीं, 4 वर्ष दिया, इसका मतलब है टाइम फॉर ऑन इज फॉर 4 ईयर्स इंट्रोगेशन मार्क। दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ।